हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये आयरन एलिमेंट को वाटर हीटर बनाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, ये आयरन एलिमेंट दुकान से 40 रुपये का लिया था। ये 750 वाट का है। तो दोस्तों, मैं इसे आप लोगों को पानी गर्म करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें दो वायर लेना है, जो कि 1 mm का हो। और ये वायर कम से कम 2 या 3 मीटर का हो, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वायर रहेगा तो ये वाटर पानी से दूरी बना रहेगा। तो दोस्तों, इसमें जो वायर को एक्स्ट्रा इसको काट लेते हैं, फिर उसके बाद से इसको कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच तक इसको छील लेना है। छीलने के बाद इसको आयरन एलिमेंट में लगाना है, ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ इसको। पहले स्क्रू को खोलना है, उसके बाद स्क्रू खोलने के बाद इस ब्लैक वाले वायर को सबसे पहले इस स्क्रू में टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद से इसको कस लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो है आयरन एलिमेंट में जो वायर है, एक भी वायर इसका इसमें चिपका ना रहे, क्योंकि ये चिपका रहेगा तो करंट लग सकता है आपको। इसका खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरा वायर भी इसको लपेटना है। इसको ऐसे लपेट कर फिर उसके बाद इसको उसी तरह एक कसना है इसे आयरन एलिमेंट में, जैसे मैं कस रहा हूँ इसी तरह कसना है। तो इसको अच्छी तरह से लपेट लेते हैं, फिर इसके बाद से टाइट कर लेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं ये भी टाइट हो गया। ये आयरन के बीच में ये ब्राउन जो है, ये प्लास्टिक दिया हुआ है, क्योंकि ये प्लास्टिक है तभी ये इस उधर वायरन में सिल्वर कलर का है, जो इसमें करंट नहीं आएगा। तो दोस्तों, देख लें चारों तरफ एक भी वायर इधर चिपका तो नहीं है इस आयरन एलिमेंट में। इसके बाद से हम एक एम सील लेते हैं। इस एम सील को दुकान पर आसानी से ख़रीदा जा सकता है। ये 5 रुपये या 10 रुपये का आता है। तो दोस्तों, इसमें दो ये केमिकल रहता है, बहुत हार्ड होता है। ये जब सूख जाता है तो ये पत्थर की तरह हो जाता है। तो इसको गर्म होता है तो गर्म होने में इसका ये कोई प्रभाव ना इस पर पड़ता है, तो इसीलिए हम इसका एम सील का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए इस दोनों को, इसमें जो एम सील है इसमें दो कलर का है, एक वाइट है और ब्लैक है, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको आधा आधा भागों में बांट लेंगे। उसके बाद से आधा ये आयरन एलिमेंट में चारों तरफ लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही लगाना है। ध्यान रहे इसमें एक भी जगह बाकी ना रहे जहाँ जिससे पानी इसके अंदर चला जाए, नहीं तो करंट लगने का डर बना रहेगा। तो दोस्तों, दूसरा भी इसी तरह, इसको भी इसी तरह लगाना है जैसे पहले वाले को लगाया हूँ। इसको भी अच्छी तरह से दबाकर लगाना है, वायर के आधा इंच तक लगाना है। तो ये लग चुका है, कंप्लीट हो गया। अब इसको सूखने के लिए लगभग 2 घंटे तक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये सूख चुका है और इसको हम पानी में चेक करने के लिए ले जाते हैं और देखते हैं पानी गर्म होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमने एक बांस का एक छोटा टुकड़ा ले लिया है। और इसको दोस्तों, मैंने जो गांठ मारा है ये टुकड़े के इस बांस के टुकड़े में इसलिए बना है ताकि ये जो है पूरा अंदर तक ना डूबे। तो दोस्तों, अब इसको पानी गर्म करने के स्विच को चालू करते हैं, देखते हैं पानी गर्म होता है कि नहीं। तो दोस्तों, देख सकते हैं पानी में बुलबुला बनना शुरू हो गया और भाप भी बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ी से ये गर्म होना शुरू हो गया।
अब इसको हम एक टेस्टर से चेक करते हैं कि इसमें करंट आता है या नहीं पानी में। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें ये हल्का हल्का करंट आ रहा है, देख सकते हैं ये पर जल रहा है। दोस्तों ये इस करंट से लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर बना रहता है, लेकिन उससे कोई डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों देख रहे हैं कितना इस तेज़ी से पानी गर्म हो रहा है, ये लगभग 1 या 1.5 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तभी ही इसको बनाना, इलेक्ट्रीशियन के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तभी इसको आप बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन के बारे में नहीं जानता है इसको बनाएगा तो बहुत बड़ा गलत हो सकता है उसके साथ। तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, और मैं जिस तरह से बनाया हूँ इस तरह से बनाएंगे तो करंट लगने का कोई चांस नहीं रहेगा। याद रहे जो ये पानी में एमसील है वो एमसील से नीचे ही रहे, पानी ऊपर न रहे, इसका खास तौर पर ख्याल रखें। तो दोस्तों इसी तरह से अगर वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब